और नशा करने से यानी शराब पीने से जो डैमेज होता है, कभी वो ठीक होता है, कभी वो ठीक नहीं होता। डॉक्टर आम तौर पर ये कह देते हैं बस चंद दिनों में ठीक हो जाएगा, ये मसले का हल नहीं है। जो बात सही है वो करनी चाहिए कि किसी को नहीं पता। मिसाल के तौर पर आप गूगल पे क्यों नहीं जाते और लिखें कि मैं कुछ साल शराब पीता रहा हूँ और मैं अब इलाज के बाद रिकवरी में हूँ और मैं अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ पर मेरा हाथ लरजता है। हर ड्रग के अपने अपने कुछ इस असरात हैं जो कि आपको परेशानी दे सकते हैं, लेकिन ये परेशानी नशा करते रहने की परेशानियों से बहुत कम है। नशा करते रहने की परेशानियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं और बढ़ती रहती हैं। नशा छोड़ने की भी परेशानियाँ होती हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती रहती हैं, नशा छोड़ने की परेशानियाँ। एक्चुअली आप और आपके घर वाले कभी इस तरह नहीं सोचते कि नशा छोड़ने की भी परेशानियाँ होती हैं जैसे नशा करने की परेशानियाँ होती हैं। वो आखिर में एक ऐसे मुकाम तक पहुँचा देते हैं कि जहाँ वो कह सकें कि तुहाडा कसूर है। इसको कहते हैं किंग बेबी। किंग बेबी का कभी सुना होगा ना कि किंग भी है कि हुक्म चलाना चाहता है और बेबी भी है कि मेरा ख्याल रखो। ना बादशाह जो होता है, जो बादशाह प्रिटेंड करता है, तो वो तो रियाया का ख्याल रखता है। बादशाह का तो मतलब है कि वो अपने इर्द गिर्द जितने लोग हैं रियाया है उसका ख्याल रखेंगे। लेकिन ये एक ऐसा बादशाह होता है जो कहता है कि हूँ तो मैं बादशाह पर आप मेरा सब ख्याल रखें। और लोग बहुत ख्याल रखना भी चाहते हैं क्योंकि जो किंग बेबी होता है वो सबको बहुत प्यारा होता है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।